दोस्तों गोदी पत्रकारों को तो आप अच्छे से जानते हैं कि कैसे भाजपा सरकार की तरफदारी करते हैं और अपना दायित्व भूल चुके हैं। उनको तो बस मोदी भक्ति ही करनी है। अब तो गोदी पत्रकारों की हालत ऐसी हो गई है कि अगर कोई भी गोदी पत्रकार सड़कों पर जाता है तो उनके एंकर को गोदी पत्रकार कहकर भगा दिया जाता है। ऐसी कई वीडियो आपने देखी होंगी। अब इनके पास फालतू की खबरें दिखाकर और अपने चैनल को बचाए रखने के अलावा इनके पास कोई भी चारा नहीं बचा है। लेकिन अब तो ये गोदी पत्रकारों ने हद ही पार कर दी है। आखिर क्यों टीआरपी के नाम पर ये चैनल पीछे रहता जा रहा है? जाना माना चैनल आज तक इसका जीता जागता उदाहरण है। डॉक्टर रागिनी नायक ने ट्वीट करते हुए लिखा, लोग टूट जाते हैं एक आशियाना बनाने में, मोदी व शाह पलक नहीं झपकाते बस्तियां मिटाने में। आज तक 6 PM प्री रिकॉर्डेड, ध्यान से देखिएगा, भाजपा के प्रवक्ता को मैदान छोड़ भागते हुए। वहीं फिर उन्होंने दूसरा ट्वीट किया, आज हल्ला बोल के रिकॉर्डिंग शाम 4:30 बजे थी, मेरे सवालों से घिरने पर बौखलाहट में संबित पात्रा मैदान छोड़कर भाग गए। भाजपा प्रवक्ता की झेप मिटाने के लिए आज तक ने वो कार्यक्रम ही ड्रॉप कर दिया। तो बताइए इस पत्रकारिता को क्या नाम दे। इस ट्वीट में बताया गया है कि कैसे एक शो को रिकॉर्ड किया गया, लेकिन जब भाजपा के प्रवक्ता सवाल का जवाब नहीं दे पाए और उस शो से भाग गए तो उस शो का प्रसारण नहीं दिया गया। अंजना ओम कश्यप के शो को हल्ला बोल की रिकॉर्डिंग की गई थी, जिसे चैनल पर चलाया जाना था, लेकिन रागिनी नायक के सवालों से डर के भाजपा नेता वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद पूरे शो को ही कैंसिल कर दिया जाता है। दोस्तों रागिनी नायक ने कई बार भाजपा नेताओं और गोदी पत्रकारों की पोल खोल के रख दी है और कई बार भाजपा नेता उनके सवाल को सुनकर उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। दोस्तों एक शो को रिकॉर्ड करना फिर उसे ऑन एयर ना करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर कुछ गलती है या फिर शो में गाली गलौज है तो उसे कट कर दिया जाता है, लेकिन शो को नहीं रोका जाता है। लेकिन इस बार तो गोदी पत्रकारों ने एक शो को ही कैंसिल कर दिया, जिससे भाजपा सरकार की बदनामी ना हो। दोस्तों हद तो तब हो गई जब रागिनी नायक ने ये कह दिया कि इस शो को देखिएगा कि कैसे भाजपा प्रवक्ता मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था, लेकिन चैनल ने उस शो को ही नहीं दिखाया। ये हमारे देश के पत्रकार हैं जो सरकार से खुद सवाल नहीं पूछते हैं और अगर कोई दूसरा सवाल करता है तो शो ही कैंसिल कर देते हैं। इस खबर में सिर्फ इतना ही, वहीं ऐसी और भी खबरें पाने के लिए जुड़े रहे MIM News Express के साथ।